हाय डियर फ्रेंड, अभी इसमें हमने सीखने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि कैरी ओवर मोमेंट मैं बताऊंगा, तो ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है। तो कैरी ओवर मोमेंट का मतलब होता है ना कि यहाँ पर कुछ मोमेंट लग रहा हो तो वो दूसरे पे कैरी ओवर करेगा। जैसे कि हिंज सपोर्ट है तो वो उतना मोमेंट कैरी नहीं कर पाता है, तो क्या किस तरफ कैरी करवाता है, जिस तरफ फिक्स हो उस तरफ वो कैरी ओवर कर देता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर सीखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बीम बना रहा हूँ, ये हिंज है, ठीक है, ये हिंज है, इसका मोमेंट मान लो एम जितना आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह के होने, और यहाँ पर फिक्स है, इस तरीके का हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन थीटा ए जितना आ रहा है, ए पॉइंट है इसलिए ए बी पॉइंट है, और इसका एल जितना लेंथ है, तो इसका एम आ रहा है, तो ये इसको कैरी कितना कर देगा, कितना एम जितना बाई टू, एम डैश इतना इधर कैरी करेगा, और एम डैश क्या है, एम अपॉन टू है, ये इतना इधर कैरी ओवर कर देगा। तो इसको लिख के भी बता देता हूँ और भी आगे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। द मोमेंट प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड एट द फॉर एंड ऑफ अ बीम when near end is subjected to moment m is called carry over moment. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पहला वाला ही देख लीजिए, पहला क्या है, व्हेन फार एंड इज फिक्स, फार एंड इज फिक्स, तो अगर फिक्स है तो क्या करेगा, इधर का मोमेंट क्या करेगा, इस तरह इसके हाफ जितना यहां पे क्या कर देगा, कैरी ओवर कर देगा, ठीक है। तो यहां पे कैरी ओवर मोमेंट कितना हो जाएगा, एम डैश जितना, और एम डैश कितना है, एम अपॉन टू जितना कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि कैरी ओवर अगर फिक्स है तो कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अगर फार एंड हिंज हो, व्हेन फार एंड इज सिंपल, सिंपल बोले या तो हिंज हो, तो कैरी ओवर क्या होगा, एम डैश कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हिंज की तरफ कैरी ओवर नहीं होता है। हिंज से, जैसे यहां पर देखो, हिंज से, हिंज पे जितना था वहां से फिक्स की तरफ कैरी ओवर होगा, लेकिन यहां का जो मोमेंट है, जो ऑलरेडी यहां पर तो कुछ मोमेंट है लेकिन वो हिंज की तरफ वो कैरी ओवर नहीं होता है, इसलिए यहां पर जीरो होता है। इसमें कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं, इफ एम मोमेंट इज अप्लाइड एट नियर एंड नो मोमेंट विल प्रोड्यूस एट द फॉर एंड, ठीक है। कोई चीज पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट लिख देते हैं, कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर फैक्टर भी सीख लेते हैं इसमें। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। तो कैरी ओवर फैक्टर का पहले तो सी ओ फैक्टर बोलते हैं, इसका डेफिनेशन पहले तो यहां पे देख लीजिए, फॉर्मूला, मोमेंट प्रोड्यूस एट फॉर एंड प्रोड्यूस एट फॉर एंड, जिसको एम डैश बोलते हैं, अपॉन मोमेंट अप्लाइड एट द नियर एंड, ठीक है। नियर एंड पे जितना अप्लाई हो रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है जो एम डैश, इसको इसको यहाँ पे लिखना था, एम डैश मोमेंट प्रोड्यूस एट फॉर एंड, इन्हीं के रेशियो को बोला जाता है को
कैरी ओवर फैक्टर, अभी जो कैरी ओवर फैक्टर है इसको इस तरीके से एम डैश अपन एम भी लिखते हैं, ठीक है, एम डैश अपन एम। अब इसके लिए भी आप दो दे सकते हो, जैसे कि आपने इसके ऊपर वाला कैरी ओवर मोमेंट देखा उसी के बेस पे ये आपका, आप आराम से इसके फॉर एंड अगर फिक्स है या फॉर एंड अगर हिंज है तो आराम से बता सकते हो कितना होगा। तो फॉर अ बीम विथ फॉर एंड फिक्स्ड, ठीक है, फॉर एंड फिक्स होता था तो क्या होता था, एम डैस की वैल्यू क्या होती थी, एम अपन टू होता था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए कैरी ओवर फैक्टर कितना हो जाएगा, एम डैश अपन एम, ठीक है। और आपको पता था कि ये एम डैश कितना आता था, टू ई आई अपन एल, और ये एम कितना था, फोर ई आई अपन एल, ये कितना हो जाता है, टू अपन फोर, क्योंकि ये ई आई अपन एल, ई आई अपन एल कैंसल, इसकी वैल्यू 0.5 हो जाता था। तो कितना होगा, 0.5 होगा, कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा, 0.5। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर फॉर एंड फिक्स होगा तो 0.5 होगा, और अगर फॉर एंड सिंपल होगा, फॉर अ बीम विथ फॉर एंड एफ आर है, फॉर एंड हिंज या सिंपल बोले हिंज, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर 0, ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एम डैश अपन एम है और ये 0 आ रहा है एम डैश, तो और यहाँ पे 3EI अपन एल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा।